ओके जय सच्चिदानंद बुलाए नमो वित्रागाय नमो वित्रागाय नमो अरिहंतानम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो सिद्धानम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सव साहुणम नमो लोए सव साहुणम ऐसो पंच नमुकारो ऐसो पंच नमुकारो सव पावक पनासनो सव पाव पनासनो मंगलानं च संवेसिं मंगलानं च संवेसिं पद्मं हवै मंगलम पद्मं हवै मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु हे श्री वात्सल्य मूर्ति दादा भगवान हे श्री वात्सल्य मूर्ति दादा भगवान हे सर्वे देवी देवात्माओ हे सर्वे देवी देवात्माओ हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक चित की हाजिरी में चित की हाजिरी में सत्संग में बैठने की सत्संग में बैठने की सत्संग सुनने की सत्संग सुनने की सत्संग समझने की सत्संग समझने की और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। मैं भाव कर्म नौ कर्म द्रव्य कर्म मैं भाव कर्म नौ कर्म द्रव्य कर्म मन वचन काया मन वचन काया और मेरा तथा मेरे नाम की सर्व माया और मेरा तथा मेरा नाम ने सर्व माया आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में समर्पण करता हूँ सुचरणों में समर्पण करता हूँ। मैं मन वचन काया से तद्धन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ मैं मन वचन काया से तद्धन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ मैं मन वचन काया से तद्धन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ मैं मन वचन काया से तद्धन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ मैं मन वचन काया से तद्धन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ मैं मन वचन काया से तद्धन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ मैं 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 शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। अम्मा डू यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज। या ओके गो अहेड। संतोषान जी जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। लालच से तो दीनता आती है लालच और दीनता आई तो समझे कि मनुष्य अवतार गवा दिया वो लालच के चैप्टर 67 दीपकानंद जी 67 आई थिंक द नंबर आई होप आई एम करेक्ट 67 ओके एक मिनट
What you said? 57. Six. It is not even 67. Swapa Prakashak. Yes, but it is not even 67. What you are saying is something. ओके आप बोलिए मुझे टाइम लगेगा अभी क्योंकि आई हैव टू गो थ्रू द इंडेक्स देन जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद वो जो बात जो है ना वो हाँ. लालच से दीनता खड़ी होती है हाँ हाँ तो वो क्या बताना चाहते हैं वहां पे क्योंकि तो लालच यानी अपने अपने अंदर लालच ऐसी आ जाती है तो दीनता यानी सिंपल भाषा में दादा भगवान ने समझाया तो के भिखारीपन हाँ तो के लालच ऐसी ऐसी हालत कर देती है कि जहां तहां अपने को भीख मांगने जैसी अपनी हालत कर देती है जो भिखारी होते हैं रास्ते में हम देखते हैं भिखारी होते हैं तो कैसे घूमते हैं वो लोग उनको ऑब्जर्व करें तो उनकी नजर कहाँ है मांगने पर ही होती है यहाँ से मिलेगा यहाँ से मिलेगा यहाँ से मिलेगा और उसके लिए वो क्या क्या करते हैं आपके पैर पकड़ेंगे आपका पल्लू पकड़ेंगे आपके पीछे पीछे घूमेंगे उनको ऑब्जर्व करेंगे तो समझ में आएगा कि वो लोग क्या क्या क्रिया करवाती है भीख मांगने के लिए वो लोग क्या क्या करते हैं क्योंकि लालच ऐसी चीज है कि हमें इतनी नीचे तक इतना नीचे गिरा देगी कि अपने को पता भी नहीं चलेगा उतना नीचे गिरा देगी और उतना नीचे गिरा देगी तो मनुष्य मनुष्य जन्म जो हमें मिला है वो हम खो देंगे वो हम खो देंगे जी लालच ऐसा ऐसी है कि मनुष्य ऐसी दीनता करवाती है कि मनुष्य मनुष्य भी जो अपने को मिला है मनुष्य जन्म वो भी चला जाएगा इसलिए दादा भगवान ने लालच को बहुत डेंजर बताया और लालच सबसे ज्यादा लालच दो ही जगह पर होती है एक विषय में और दूसरी लक्ष्मी में लालच से तो दीनता आती है और दीनता आई तो समझिए कि मनुष्य अवतार गवा दी तो मनुष्य मनुष्य अवतार हमें जो मिला है तो ऐसे ही मिला होगा कि कुछ पेमेंट किया होगा पेमेंट क्या पेमेंट किया होगा हमने क्या पेमेंट आप ही बताइए तो के ऐसे मनुष्य जन्म नहीं मिलता है हाँ, शास्त्र में शास्त्र में बताया कि कितना मनुष्य जन्म की कीमत इतनी बड़ी है कि देव लोग भी मनुष्य मनुष्य जन्म लेने के लिए तत्पर रहते हैं कि कब मुझे मनुष्य जन्म मिलेगा क्योंकि मनुष्य जन्म ही ऐसा है जहां से हम सिद्ध गति मोक्ष में जा सकते बाकी की कोई भी गति ऐसी ऐसी नहीं है कि जिसमें से हम सिद्ध गति जा सके मोक्ष में जा सके तो क्यों मनुष्य जन्म की बहुत वैल्यू मनुष्य गति की बहुत बड़ी वैल्यू है क्यों ऐसा है क्योंकि वहीं से हम मोक्ष में जा सकते मनुष्य से ही बाकी सब हाँ बाकी सब तीन गति है जो तिर्यंचे नर गति और देव गति है वहां पे सिर्फ भुगतान है मनुष्य गति में किए हुए कर्म का सिर्फ भुगतान है वहां पे और मनुष्य गति ऐसी है कि जहाँ नए कर्म बनते हैं पुराने कर्म छूटते हैं और कर्म बंधे भी नहीं पुराने कर्म छूट जाए और यहाँ से सिद्ध गति में जाए क्यों ऐसा हुआ कि ऐसा मनुष्य में ही ऐसा है तो नेचर का हाँ वो नेचर लॉ है नेचर लॉ है क्योंकि मनुष्य जन्म में ही अहंकार खड़ा होता है जो करता जो कर्म बनने का जो चार्जिंग पॉइंट है वो मनुष्य जन्म में ही खड़ा होता है
क्योंकि वहां पे अज्ञान अज्ञान जो भ्रांति है वो हमारे पर फिर जाती है, आवरण फिर जाता है उसका, कि मैं कौन हूँ उसकी पहचान नहीं रहती, और जो नहीं हूं उसको मानता है कि मैं ये हूं। और दूसरा क्या होता है, कुछ भी क्रिया होती है तो उसके पीछे मैंने किया, तो वो कर्ता भाव खड़ा रहता है। तो उसी के आधार पर वो अज्ञान अज्ञानता है, उसके आधार पर कर्म का बंध होता है। ओके। और ज्ञानी पुरुष जब ज्ञान देते हैं तब वो कर्ता भाव अज्ञान का जो भाव है, अज्ञान का जो भाग है उसको उड़ा देते। अच्छा। और राइट बिलीफ बिठा देते हैं कि मैं बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से संतोष हूँ और रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ। इसलिए कि मनुष्य दीनता आ जाती है, लालच, यानी वो गरीब गरीब लोग जैसे घूमते हैं ना रोड पर हम देखते हैं, तो हाँ। ऐसी हमारी हालत हो जाती है, किसी चीज की लालच खड़ी हो गई ना। हाँ। अभी एक छोटा सा एग्जांपल दे स्थूल में, इसको लालच नहीं बोलते, लेकिन एक घर के अंदर व्यवहार भी है ना, कुछ चीज अपने को पसंद आ जाती है तो हस्बैंड के पीछे पड़ते हैं कि नहीं पड़ते है, कि ये मुझे ला दो ना, ये मुझे ला दो ना। और उससे भी अगर एग्जांपल देखना है तो छोटा बच्चा, अगर उसको चॉकलेट चाहिए तो वो कैसे घूमेगा अपने आगे पीछे जी, और उसको बोलेंगे ये करेगा तो चॉकलेट दूंगा, तो वो काम करता है कि नहीं करता है? करता है। तो कि वो चॉकलेट ये स्थूल चीज है, ये आंख से दिखाई देती है कि एक चॉकलेट है, वो बच्चे को कितना घुमाती है। वैसे अलग अलग प्रकार की लालचें होती है। अच्छा। तो सबसे ज्यादा डेंजर लालच दादा भगवान ने बताया विषय संबंधी लालच, और दूसरी लक्ष्मी संबंधी लालच। ये दो लालच ऐसी है तो कि मनुष्य को कहां तक गिरा देगी नीचे वो समझ में नहीं आएगा। और वो जो गिराएगी तो मनुष्य अवतार गवा देगा, जो हमें मनुष्य अवतार मिला है उसको भी वो गवा देगा, क्योंकि उनसे ऐसे ऐसे काम करवाएगा कि वो मनुष्य अवतार वापस लेने के लिए फिट नहीं होते वो। ओके। ऐसे ऐसे काम करवाता है उससे। तो आहार के ऊपर भी लालच ऐसा होता है? हाँ, आहार वस्तु वो सब ज्यादा नुकसान करने वाला नहीं है। वो ज्यादा नुकसान वो क्लेम करने वाली चीज नहीं है, ये क्लेम करने वाली चीज है, मिश्र चेतन है, वो क्लेम करने वाली चीज है। ओके। आहार और वो तो क्या है, थोड़ा समझ में आएगा ना, तो वो शरीर पर शरीर के ऊपर ज्यादा मीठा खाएंगे तो फिर डॉक्टर क्या बोलेंगे, बॉडी रिएक्शन देगी, और बॉडी रिएक्शन देगी तो डॉक्टर क्या बोलेंगे कि ज्यादा मीठा खाया तो आपको डायबिटीज हो गया, अभी बंद कर दो। तो क्या वहां पे कोई समझाने वाला कोई मिल जाएगा? ओके। लेकिन ये जो विषय और लक्ष्मी की लालच है वो तो बहुत भयंकर है, डेंजर। बहुत डेंजर है। ओके। वहां पे कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा कि ये इसको लालच बोलते हैं, वो खुद अंदर भगवान बैठे वो जानते हैं कि ये लालच है। वो बताएंगे भी लेकिन सुनेगा कोई नहीं, क्योंकि उसके अंदर इतना मीठापन लगता है कि उसके अंदर चलता ही जाता है, जाता ही जाता है, जाता ही जाता है। ओके। तो कि वो दो चीज ऐसी है तो कि इसके आधार पर लिखा कि वो इतनी दीनता करवा देगा कि मनुष्य जन्म भी अपना गवा दे। दूर करने के लिए प्रेयर है। हाँ? ये लालच दूर करने के लिए। हाँ? वो नौ कलम सब पढ़ते। नौ कलम और दूसरा दादा भगवान से शक्ति मांगने का और प्रतिक्रमण। ठीक है। जय सच्चिदानंद संतोष। जय सच्चिदानंद। देयर वाज 65 मां। ओके सॉरी। यस जय सच्चिदानंद। मोनिका मैम। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद।
सच्चिदानंद जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, बोलिए बोलिए। स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे किसी से बात करते हैं तो मतलब ये लगता है कि अपन मन में ये चलता रहता है कि अपन सही नहीं बोल रहे हैं, कि कुछ भी, मतलब कोई अपने से ज्यादा होशियार होता है तो अपन डल हो जाते हैं ऐसा, तो उस समय क्या करना चाहिए? ऐसा है कि ये हम नॉर्मलिटी बिलो नॉर्मल में चले गए। अच्छा। जो अपने को अपने अपनी जो एक्सपर्टाइजेशन है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहा सामने वाले को देख के, हाँ वो चीज हो जाती है। सही। हाँ, तो वो दादा भगवान ने बताया कि किसी की छाया अपने ऊपर पड़े तो हमारा मोरड़ टूट जाता है, तो किसी की छाया हमारे पर नहीं पड़नी चाहिए, तो ही हम नॉर्मलिटी में रह सकते हैं, तो ही हम मोरल रह सकते हैं। अच्छा, किसी का असर नहीं होना चाहिए अपने। हाँ, तो कोई भी आए, दादा भगवान बताते थे कि अगर ये हम बैठे सत्संग चल रहा है और वड़ा प्रधान आते हैं तो उनका विनय करेंगे हम, लेकिन उनकी छाया हम पर नहीं पड़ेगी, उनका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। अच्छा। उनका विनय करेंगे क्योंकि इतने बड़े पद पर वो आए हैं, तो ऐसे तो नहीं आए, तो उसका विनय करेंगे लेकिन उनका प्रभाव हम पर नहीं होगा। क्योंकि वो प्रभाव हम पर किसी का पड़ता है तो वो क्यों पड़ता है, तो क्या हमारे कुछ एक्सपेक्टेशन है उसके आधार पर उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। अच्छा। अगर हम जॉब करते हैं तो जो ऑफिस में जाएंगे तो सेठ का प्रभाव क्यों पड़ेगा अपने पर, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है वहां पे कि हम अच्छा काम करेंगे तो प्रमोशन मिलेगा, अच्छी सैलरी मिलेगा, ये है वो, तो उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन हमें हमारे एक्सपेक्टाइजेशन जो है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस है तो सेठ का विनय करेंगे लेकिन उनका प्रभाव नहीं पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर कुछ वहां कुछ भी हुआ तो हमें हमारा भविष्य सिक्योर दिखता है, क्योंकि हमें जो आता है उसके ऊपर हमें कॉन्फिडेंस है कि ये मुझे जो आता है वो मैं वर्ल्ड में किसी भी कोने में जाऊंगा तो मेरी ये जो आवड़त है वो कोई छीन नहीं पाएगा। सही बात। और मुझे जो गोल अचीव करना है वो इससे मैं कर पाऊंगा। तो किसी का प्रभाव अपने पर नहीं पड़ेगा। तो ये जो एक्सपेक्टेशन वाली चीज है और खुद की जो आवड़त है, जो खुद को जो आता है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। तो क्या करना चाहिए समीर? तो अपने को जो आता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करने का है। अच्छा। और वो धीरे धीरे अनुभव से आ जाएगा आपको। अच्छा। सामने वाले को निग्लेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जी जी जी। लेकिन जी वो, और दूसरा क्या है, दादा भगवान बता देते कि हमसे आगे कोई है और हमें मालूम है कि समझ में आता है कि हमसे आगे है, हमसे ज्यादा जानकार है, तो उनसे जो ज्ञान मिले वो हमें ले लेना चाहिए उनसे। अच्छा। जी 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 जी। तो उसके अंदर हम छोटे हो जाते हैं ऐसा नहीं है। जी जी। अपने अच्छा। अपने को क्या, अभी की लाइफ में कंपटीशन इतना हो जाता है, हमसे किसी को ज्यादा आता है ना तो हमें ऐसा हो जाता है कि ये मेरे से आगे निकल जाएगा। कोई आगे निकलने वाला नहीं है। अगर उसके पास जो अच्छा ही है, उसके पास से वो अच्छा ही अपने को मिले तो हमारी अच्छाई में बढ़ोतरी हो जाएगी, तो उसमें हम छोटे होने वाले नहीं है। जी जी जी। अच्छा अच्छा जी। हमको विनय होना चाहिए लेकिन उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ना चाहिए। ये प्रभाव पड़ता है तभी ये सब क्वेश्चन अराइज होते हैं कि मैं उनसे क्या बात करूंगी। जी स्वामी जी। उसको तो सब आता होगा, मैं क्या पूछूं उनसे। जी जी जी। और पूछने से डर लगता है कि अगर मैं पूछूंगी तो वो ऐसा सोचेंगे, कितना भी उसको नहीं आता। जी स्वामी जी। इतना भी उसको समझ में नहीं आता। तो ये लघुता ग्रंथि बोली गई दादा भगवान, यानी बिलो नॉर्मलिटी में आ गए। अच्छा। तो वो धीरे 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 करके बाहर निकलने का उसमें। अच्छा, अच्छा। पर आसान है, इसमें से कोई अच्छा। कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है ये। अच्छा, और जैसे 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 हम ये जो सत साधन है, वो सत साधन जैसे जैसे हम समझते जाएंगे ना, आज्ञा जैसे जैसे समझ में जाएंगे ना, ऐसे ऐसे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अच्छा। जी, और दादा
और कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला एक दादा भगवान ने बात किया था कि ईस्ट वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं है जो हमें परेशान कर सके बिना बिना मेरी गलती। अगर अपनी गलती है तो ही कोई अपने को परेशान कर पाएगा, बाकी कोई परेशान करने वाला नहीं है। जी स्वामी जी, तो ये पक्का कर लेने का। जी स्वामी जी, तो कोई भी संजोग आएगा ना तो कभी अंदर प्रॉब्लम नहीं होगा अपने को। जी स्वामी जी, एक और प्रश्न था कि जैसे अपन प्रतिगमन करते हैं तो मतलब कितनी बार माफी मांगे उनसे, मतलब 4 बार 5 बार या 10 बार? ऐसा है कि माफी मांगने में गिनती नहीं होती कितनी बार माफी मांगने की। अच्छा, जो प्रतिक्रमण जो चीज है ना वो हार्ट की बात है, हार्टिली होता है। अच्छा, जैसे एक बात समझिए, अपनों ने खाना खाया। हाँ जी, खाना खाने के बाद मुखवास खाते हैं कि नहीं खाते? खाते हैं। वल्यारी है, दानादार है या कुछ भी। हाँ, हाँ। बराबर है। और वो दाढ़ होती है, दाढ़ के यहाँ दांत के अंदर वो टूथपिक चला जाता है। हाँ। और टूथपिक हाथ में नहीं होती है तो क्या होता है? तो हाथ से करते, हाथ से करते हैं या तो जीभ बार बार वहां पे जाती है ना, वहां पे टंग बार बार वहां पे जाती है ना, और वो जब तक नहीं निकलती है तब तक क्या होता है? हम कुछ भी काम करेंगे तो उसके अंदर चित रहेगा? हाँ, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, तो क्या बार बार वहां पे जाएगी? तो कि ये गलती की है हमने, वो जो दांत में घुस गया है उसको निकालने के लिए कितनी प्रयत्न करते हैं, तो हमें समझ में आए कि हमारी गलती है तो वह उस तरह हमको खींचनी चाहिए। अच्छा, और ऐसी खींचेगी तो एक बार प्रतिक्रमण करोगे तो भी वो धुल जाएगा। अच्छा जी 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 जी, उसमें इतनी बार करो ऐसा नहीं होता। अपने को हमारी गलती कैसी समझ में आई है और उससे कैसे छूटना है, उसकी तीव्रता कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड है। बहुत अच्छी जी स्वामी, समझ आए। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, ब्रिज कुमार, जय सच्चिदानंद, मोनिका जी, जय सच्चिदानंद, ब्रिज कुमार, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ये एक व्यवहार निश्चय का है सूत्र, ये पूरा जगत विज्ञान ही है। नंबर बताइएगा। 1048 48 ठीक है, ओके। ये पूरा जगत विज्ञान ही है और भगवान इसमें विचरते रहते हैं। जिस प्रकार एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में हो रहे प्रयोगों को देखता रहता है, उसमें दखल नहीं करता। ब्रिज कुमार जी, इसमें क्या समझ में नहीं आया? ऐसी बात है, बहुत अच्छी बात है। भगवान विचरते रहते हैं, ये भगवान विचरते रहते हैं यानी क्या है? तो कि ये मन वचन काय रूपी प्रयोग है, उसके अंदर भगवान है कि नहीं है? अच्छा, ये हमारे लिए? हाँ, तो क्या अंदर भगवान है और विचरते रहते, कहने का मतलब क्या है? तो कि ये बॉडी, ये जो हमें बॉडी मिली है अभी, इसका वो एक्सपायर मर जाएगी तो दूसरी बॉडी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अच्छा, दूसरी बॉडी मिलेगी ना, कर्म खड़े है तो। अच्छा, तो दूसरी बॉडी में है, वहीं पर भी भगवान है हाजिर। अच्छा, तो ये हमारे लिए, हमारी दखलंदाजी है तो हमारे कर्म बनते हैं। हाँ, इसलिए वो क्या समझाना चाहते हैं, तो दादा भगवान स्थूल एग्जांपल देते थे। तो कि सूर्य नारायण जी है और उनका प्रकाश सबको मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ जी, उसमें पक्षपात करते हैं सूर्य नारायण के, इसको कम दूंगा, इसको ज्यादा दूंगा? हाँ, नहीं, सबके लिए बराबर नहीं करते, सबको बराबर देते। चोरी करने वाला चोरी करता है, साहूकारी करने वाला साहूकारी करता है,
जिसको जो करना है वो सब करते हैं कि नहीं प्रकाश के नीचे? हाँ जी। तो वहां पे सूर्य नारायण बोलने आते हैं कि मैं आपको प्रकाश देता हूँ तो आप चोरी क्यों करते हो, आप लबाड़ी क्यों करते हो? तो के वो देखते हैं, तो के पूरा जगत प्रयोग स्वरूप चल रहा है और भगवान बैठे बैठे उनको देखते हैं, उसमें कहीं वो दखल करने नहीं जाते। अच्छा, ऐसे ही विचरते हैं भगवान, वो बोल रहे हैं कि एक मनुष्य आज ये मनुष्य जन्म में ये नाम नाम मिला है, आगे दूसरा मिलेगा तो उसमें नामधारी दूसरा हो जाएगा, तिर्यंच में जाएगा तो तिर्यंच में अलग हो जाएगा, नर्क में जाएगा तो नर्क में अलग हो जाएगा, देवगति में जाएगा तो देवगति में अलग हो जाएगा। क्योंकि सब जगह पे जीव घूमता रहता है और भगवान उसके अंदर हाजिर रहते हैं, यानी विचरते हैं, यानी हमारी आत्मा का है। हाँ, भगवान कहीं दखल नहीं करते, वो सब बैठे बैठे देखते हैं कि इसने ये प्रयोग किया और ये प्रयोग का फल उसको ये मिला तो ये गति में गया, ये प्रयोग से उसको ये फल मिला तो ये गति में गया। अच्छा। और भगवान बैठे बैठे देखते, उसमें कहीं हाथ डको दखल नहीं करते। हमारे है मतलब ये। अच्छा, ये सब ये मन वचन काय रूपी जो जगत है ना, वो बहुत बड़ा जगत है। और ये जगत है, ये जगत है तो बाहर का जगत है, ये जगत नहीं है तो बाहर का जगत ही नहीं है। और दादा भगवान ने बताया, ये जो मन वचन काय रूपी जगत है उसके अंदर जो परिणाम आप खड़े होते हैं वो परिणाम बाहर के जगत में दिखाई देते हैं, उस आधार पर बाहर का जगत इकट्ठा हो जाता है। ये सब घूम के यहीं पे आएगा, सब यहीं पे आएगा घूम फिर के। इसके ऊपर ये हाँ, और ये मनुष्य जीवन का जो प्रयोग है वो बहुत 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 अद्भुत प्रयोग है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रयोग सही हो गया, यहाँ पे प्रयोग सही हो गया तो सीधा सिद्ध गति में चला जाएगा, अगर कच्चा पड़ा तो फिर चार गति में घूमेगा, तिर्यंच नर्क मनुष्य और देवगति, चार गति में घूमेगा। और यहाँ प्रयोग अच्छा हो गया तो सीधा सिद्ध गति चला जाएगा। बहुत अद्भुत प्रयोग है मनुष्य जीवन। तो लोग बाहर बाहर ढूंढते हैं प्रॉफिट और लॉस, बाहर ढूंढते हैं, यहाँ कोई देखता ही नहीं है प्रॉफिट और लॉस। पूरे दिन में क्या प्रॉफिट किया, क्या लॉस किया, कभी गिनती किया हमने? नहीं। आज किसी को दुख दिया तो कितना बड़ा लॉस हुआ, काउंटिंग किया कभी किसी ने? हाँ, वही है सर। तो कि यहाँ ये जो प्रयोग चल रहा है उसके अंदर प्रॉफिट लॉस काउंटिंग कोई करता ही नहीं है, उसकी बैलेंस शीट बनाते ही नहीं है हम। और बिजनेस में जाते हैं तो डेली बैलेंस शीट बना देते हैं, आज इतना सेल किया, आज इतना परचेस किया, ये रेट पे परचेस किया था, ये रेट पर सेल किया तो इतना प्रॉफिट मार्जिन मिला। वहां पे दिन रात को आते हैं, शाम को आते हैं तो पूरा खाता है वही कंप्लीट करके आते हैं कि आज, और आके फिर उसके बाद दूसरा चक्कर चलता है कि आज इतना प्रॉफिट किया तो घर पे कुछ ले जाते हैं, जेब में है तब ले जाते हैं ना, प्रॉफिट जेब में आया तब ले जाते हैं ना। तो क्या ऐसे मनुष्य जीवन का प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, डेली हमने निकाला कभी डेली? तो ये तो डेली निकालने का है, बैलेंस शीट डेली बनाने का अपने को। ये सोने से पहले इसलिए बताया ना दादा भगवान, ये सोने से पहले प्रार्थना करके, शुद्धात्मा की प्रार्थना करके सो जाने का, क्योंकि पूरे दिन में क्या क्या गलती की है वो उसके अंदर दिखाई देगी, बैलेंस शीट क्लियर करके सो जाने का।
ये हम जो इसलिए कविराज का एक पद है, अंदर जे खूचे छे ते वातो नो खपे छे प्रतिक्रमण भूलो विना कोई दंड तू नती शांत भावे कर्मनन सूता पहला मैं सूता पहला नीलो छो काढ़ू पर से सूजे लाइन सूता पहला वेणी लो छो कांकरा गादी ऊपर पर सूता पहला वेणी लो छो कांकरा आपण जे मळे ऊंचे ते दो सो आप छे जा खरा अंतस्करण ने जकड़ी राखे रागी द्वेषी संकलन दीधेलु ते पाछु ज आव्यु मो विश्वमारक संसरण विश्वमारक संसरण ओके ये जो चार लाइन है ना वो बहुत बड़ी बता दी तो के रात को सोने से पहले हमें हमारा पूरा डेबिट एंड क्रेडिट देख लेना बैलेंस शीट देख लेने की कि आज के दिन में प्रॉफिट क्या किया हमने तब जाके ये हमारा प्रयोग परफेक्ट होएगा होता जाएगा समझ गया ऐसा है। अच्छा कई बार हम जैसे घरों में सुझाव वगैरह देते हैं तो किसको सुझाव देते हैं भाई जैसे कोई काम हो वाइफ को या इसको तो अगर अपनी फर्ज में है सुझाव देने का तो देने का नहीं तो फिर जब तक वो मांगे नहीं तब तक नहीं देने का। अच्छा पैसा किसी को दे देते हो आप नहीं किसी को नहीं देते क्यों कीमत की बात है ना तो पैसे किसी को देते नहीं वो मांगे तो भी पहले सोचते देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए वापस आएगा कि नहीं आएगा नहीं, तो सुझाव जो देते हैं ना उसकी जोखिमदारी हमको पता नहीं है इसलिए कोई मांगे या ना मांगे देते जाते हैं। नहीं वो दखलंदाजी की बात हो रही है ना दखलंदाजी की वजह से कर्म खड़े होते हैं। हाँ वही तो बात करते हैं वही बात है कि पैसे पैसे कोई मांगता है तो हम कितना सोचते हैं कि वापस आएगा कि नहीं आएगा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए उसके आगे पीछे की हिस्ट्री अपने देख लेते हैं कि नहीं देख लेते तो देखते हैं। हाँ तो सुझाव भी ऐसा ही है अगर सुझाव आप ये सुझाव बाय फोर्स देना पड़े तो ठीक बात है कोई मांग रहा है बाय फोर्स देना पड़ रहा है तो वो बात अलग है लेकिन बाई चॉइस नहीं देना चाहिए। फोर्स का क्या मतलब फोर्स यानी अभी घर के अंदर आप वडिल हो और कोई प्रॉब्लम हो गया तो आपके पास आएंगे कि नहीं आएंगे जी पिताजी मामा जी बुआ जी बापू जी ये प्रॉब्लम हो गया तो उसका समाधान करवा दो तो वहां पे सुझाव देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा तो कि वो बाय फोर्स हो गया है कि आपकी मर्जी हो कि ना हो आपको सुझाव देना पड़ेगा वहां पे लेकिन कोई मांगता नहीं है और सामने से चले जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा करने का। अच्छा तो सामने वाले को क्या है उसका अहंकार खड़ा हो जाएगा उसका ईगो खड़ा हो जाएगा कि लो हम तो ऐसे ही बड़े हो गए हमको पता ही नहीं है कुछ और ये बोलने के लिए आ गए वो दखल अंदाजी होगी वो बोले वो सामने नहीं बोलेगा लेकिन अंदर उसका ईगो हट होगा ईगो खड़ा हो जाएगा अंदर। अच्छा और वो ईगो खड़ा होने के बाद वो
जो बांधेगा उसका फिर आगे भुगतान आएगा। तो कि ये जो सलाह देने की बात है ना, वो तो बहुत डेंजर है। इसे मनुष्य जीवन के अंदर अपने कोई भी पूछते नहीं और सलाह देने जाते हैं तो उसका तुरंत ईगो हट हो जाता है। तो ईगो हट होता है और उसके पीछे वो जो कर्म का चक्कर चलता है ना, वो बहुत डेंजर है। क्योंकि ये मनुष्य जीवन में जो जो है, तो छोटा बच्चा है ना, उसको भी ईगो खड़ा है। तो सबके अंदर ईगो डेवलपमेंट के आधार पर काम करता है। जैसा जैसा उसका डेवलपमेंट है, उस हिसाब से ईगो काम करता है। और किसी को भी कुछ भी सलाह देने गए ना, तुरंत इसका ईगो प्रतिकार करता है। अगर हम बड़े हैं तो बाहर नहीं बोलेगा, लेकिन अंदर बोल देगा कि पूरी जिंदगी उन्होंने क्या किया, अभी हम मुझे बताने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने तो किसी का सुना नहीं और हमको समझाने आ गए, क्योंकि उल्टा चक्कर हो जाता है। तो वो दखल किया तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। फर्ज में है वो बात अलग है, कोई पूछता है तो बात अलग है, लेकिन सामने से देने जैसा नहीं है। किसी को भी सलाह सूचन कुछ भी सामने से देने जैसा नहीं है, क्योंकि ये काल विचित्र ऐसा है, पंचम काल है ना, उल्टा ही ले लेते हैं सब। सुल्टा लेने की शक्ति बहुत कम है, सब उल्टा लेते हैं कि वो अपने आप को ज्ञानी समझते और हमें अज्ञानी समझते। कहां तक वो ले जाएगा, अपने को समझ में ही नहीं आएगा। हाँ, तो ये बहुत डेंजर रेड लाइट जैसा है हमारे लिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अशोक जी। यस। जय सच्चिदानंद। अशोक जी, अनम्यूट करिए। अनम्यूट। आवाज नहीं आ रही। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आ रही है अब? हाँ, आ रही है। स्वामी जी, जो ये इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि निश्चय के क्या व्यवहार के आधार पर निश्चय खड़ा है। इसके बारे में थोड़ा बताइए ना। वो क्या है अशोक जी, के व्यवहार के बेसमेंट पर निश्चय खड़ा है, तो वो क्या बताना चाहता है? तो कि अभी ये जो पंचम काल है जी। और ये पंचम काल में हमें जो ये भेद विज्ञान मिला जी। हमें निश्चय प्राप्त हो गया, मूल निश्चय प्राप्त हो गया, लेकिन व्यवहार वही का वही है। व्यवहार अभी हमारा बदला नहीं है जी। व्यवहार तो हम जो लेके आए थे वही चल रहा है, वही चल रहा है। हाँ, पर निश्चय हमें प्राप्त हो गया है बिल्कुल। क्योंकि तो जैसे जैसे आज्ञा दृष्टि यूज करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा व्यवहार चेंज होता जाएगा। अच्छा अच्छा। दूसरी तरह से हम देखे तो दादा भगवान हमारे सामने, तो दादा भगवान को हम भगवान क्यों बुलाते हैं? ज्ञानी पुरुष है वो, इसलिए। ज्ञानी पुरुष है, बात सही। तो ज्ञानी पुरुष कैसे, किस कैसे पहचानते हैं हम उसको? ये तो आप ही होता हूं। तो क्या हमने निश्चय उनके अंदर जो दादा भगवान प्रकट हो गए, वैसे ही हमारे अंदर प्रकट हो गए जी। उनका बिना पूर्ण खुला हो गया, कोई भी आवरण नहीं रहा, हमारे ऊपर आवरण है, बराबर है। तो अंदर का उन्होंने समझाए, उस समझ से हम समझ रहे हैं कि पूरी जीव सृष्टि के अंदर जितने भी जीव है उसके अंदर भगवान है जी। बराबर है जी। और दादा भगवान को
के अंदर जो भगवान खुला हो गया तो उसका अनुभव कैसे हुआ? तो उनके मन वचन काया रूपी देह मंदिर से हमें समझ में आया जी। वो देह मंदिर का जो व्यवहार हमारे साथ प्रेम स्वरूप बना उसके आधार पर समझ में आता है जी। तो के ऐसे ही हमारा जो व्यवहार के बेस पर निश्चय खड़ा है तो के व्यवहार ऐसा बन जाएगा तो के वो हमारा निश्चय उसके अंदर खुला दिखाई देगा। इसलिए आज्ञा हमें दिया है, जो पांच आज्ञा दिए ना उसी लिए दिया है। तो के व्यवहार भी इतना सुंदर हो जाएगा हमारा कि वो व्यवहार हमारा देख के लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये इसके अंदर भगवान प्रकट हो गए। मतलब विनय होना चाहिए हमारे व्यवहार में, वो तो आ ही जाएगा। आज्ञा दृष्टि यूज हुई यानी परम विनय से जीने की शुरुआत हो जाएगी जी। विनय से परम विनय सब उसके अंदर आ जाएगा। आज्ञा दृष्टि जहां जहां यूज हो गई वहां पे पूरा जो व्यवहार है, तो दादा भगवान जो चरण विधि में बोलाते है ना, मन वचन का है, अगुरु लघु गुरु स्वभाव का है, मैं अगुरु लघु स्वभाव वाला ऐसा शुद्धात्मा हूं, तो ये पूरा जो मन वचन काया है वो भी ऐसा बनता जाएगा। जो अंदर अगुरु लघु स्वभाव वाला है वैसा ही निश्चय स्वरूप का व्यवहार भी दिखाई देगा लोगों को। किसी को कंप्लेन नहीं खड़ी होगी। दादा भगवान के पास इतने सारे महात्माओं ने 60,000-70,000 महात्माओं ने ज्ञान लिया लेकिन कभी किसी के साथ सबके साथ प्रेम से रहे ना, सबको ऐसा लगा कि ये मेरे है, ये मेरे है, ये मेरे है। दादा भगवान तो मेरा ही है दादा भगवान, सबको ऐसा लगता था ना। तो कि ये आज्ञा दृष्टि से हमारा भी ऐसा होता जाएगा, इसलिए कि बताया बराबर है। हाँ बराबर। एक और बताता हूँ। हाँ जी। एक आया सर, आज ही आया ये, सेवा भाव नु इन भौतिक सुखो छे अने उस सेवा भाव नु कण भौतिक सुख छे। सेवा भाव नु इन भौतिक सुखो छे अने सेवा भाव नु इन भौतिक दुखो छे। हाँ, एटले वो क्या बताना चाहते हैं अशोक जी कि सेवा भाव है तो उसे भौतिक सुख मिलते हैं जी, और कुसेवा भाव हाँ उससे भौतिक दुख मिलते हैं। हाँ यही है। हाँ, सेवा भाव नु फल भौतिक सुखो छे अने कुसेवा भाव नु फल भौतिक दुखो छे। सेवा भाव थी पोतानु हू ना जड़े, पण ज्यां सुधी हू ना जड़े त्यां सुधी ओब्लाइजिंग नेचर परोपकारी स्वभाव राखशो। वो क्या बताना चाहते है अशोक जी के जो सेवा भाव यानी सेवा करनी है ना, तो वो सेवा जो करने का भाव अंदर रहता है ना, ये लोग बाहर बाहर कितनी लोग संस्थाएं खोल के बैठे हैं ना सेवा की, बिल्कुल। तो वो सेवा भाव की सेवा भाव होता है ना, तो उसका फल भौतिक सुख है। यानी ये जो व्यवहार के अंदर जो स्थूल जो सुख दिखाई देते हैं वो सब मिलेंगे, भौतिक सुख मिलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। और कुसेवा भाव यानी कुसेवा यानी खराब, वो एग्जैक्ट क्या बोलते हैं दीपक आनंद जी, कुसेवा एग्जैक्ट हिंदी में तो गुजरात कुसेवा। हाँ, कुसेवा यानी जो सेवा से किसी को लाभ नहीं होता है ऐसी सेवा करते हैं, उल्टा नुकसान हो। क्या कहने चाहते हैं तो पहले गुजराती में बोलो ना, गुजराती में बोल दो समझ जाएंगे। हाँ,
કુસેવા એટલે કે બીજા બીજાને કોઈને ફાયદો ના થાય અને ખાલી પોતાને ફાયદો કરવો છે એવું જે હા દૂસરે કો નુકસાન હો ઓર ખુદ કો ફાયદા હો ऐसा ऐसा ऐसी जो भाव होता है ना सेवा करने का बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि उससे भौतिक दुख मिलते हैं क्योंकि खुद का फायदा हुआ वो तो समझ में आता है लेकिन सामने वाले को दुख पहुंचा वो समझ में नहीं आता वो समझ में नहीं आता वो सेंटर जो सेवा भाव का सेंटर वो जो पहला है ना सेवा भाव का सेंटर तो वो सेंटर क्या है तो कि किसी को फायदा हो जी। और कुसेवा का सेंटर क्या है तो मुझे फायदा उसको हो के ना हो लेकिन मुझे फायदा हो जाना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि वहां पे दुख है भौतिक दुख है जी। और आगे क्या बताए सेवा भाव थी पोतानु हूं ना जड़े यानी मैं खुद कौन हूं वो जब तक समझ में नहीं आता है वो दृष्टि प्राप्त नहीं होती है तब तक ओब्लाइजिंग नेचर यानी ये परोपकारिक स्वभाव राक्षसो एटले के वो वैसे स्वभाव से जीना क्योंकि दादा भगवान का जो एग्जाम्पल है कि दादा भगवान जब कुछ भी बाजार में खरीदने के लिए जाते थे सब्जी या कुछ भी तो आड़ोस पड़ोस में पूछ लेते थे कि आपको कुछ लाना है आपको कुछ लाना है। अच्छा तो क्या है कि मैं जा रहा हूँ तो दो दो लोगों का तीन लोगों का सब साथ में लेके आऊ तो वो परोपकारिक स्वभाव यानी दूसरे का फायदा हो ऐसा हमारा स्वभाव होना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल वो सेवा भाव जब तक मैं कौन हूँ वो दृष्टि प्राप्त नहीं हुई तब तक ऐसे जीते जाएंगे तो कहीं ना कहीं आगे ऐसे पुरुष इकट्ठा हो जाएगा और हमें ये प्राप्त हो जाएगा। अच्छा इसलिए सेवा भाव का जो फल है और कुसेवा भाव का फल है और सेवा भाव से कब तक रखने का है तो कि जब तक मुझे खुद का कौन हूँ वो पहचान नहीं होती है तब तक वो सेवा भाव से जीने का है जी। और ये जीव मात्र के लिए होना चाहिए इसलिए हमारा जो जगत कल्याण की भावना बोलते हैं ना उसके अंदर सब कुछ आ जाता है कि सबसे बड़ी सेवा इस जगत की क्या है तो कि जीव मात्र को सुख पहुंच सुख मिल जाए ऐसी हमारी भावना किसी को दुख नहीं पहुंचे हाँ किसी को दुख ना पहुंचे वो प्रातः विधि में हम बोलते हैं ना प्राप्त मन वचन का ऐसे इस जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख ना हो ना हो ना हो जी बिल्कुल तो कि ये जब तक मैं कौन हूँ वो प्राप्त नहीं होता है तब तक ये मनुष्य जीवन का ये बेस बोला जाता है बिल्कुल क्योंकि इससे वापस मनुष्य जीवन हमको मिल जाएगा बिल्कुल बिल्कुल बराबर बिल्कुल जय सच्चिदानंद जय सच जय सच जय सच्चिदानंद अचुन जी जय सदानंद दीपांगन जी जय सच्चिदानंद गीता बेन अलवर जय सच्चिदानंद स्वामी जी जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद मुझे दादाजी के बारे में जानना है। अच्छा आपको आपका नाम मेरा पल्लवी अग्रवाल। अच्छा, हाँ जी अच्छा अभी आप सत्संग में कितने टाइम से आ रहे हो वहाँ पे? नहीं मैं फर्स्ट टाइम ही आई हूँ मेरी मदर इन लॉ लेके अच्छा, आई थी मुझे हाँ अच्छा, जी अच्छा, अच्छा अच्छा तो आपको भगवान के बारे में
क्या मालूम है भगवान किसे कहते हैं, कुछ आइडिया है? अरे अपना संतोषानंद जी, ये गीता बहन ने उनको क्या समझाया वो तो जानो पहले। अच्छा पल्लवी जी आप बताएं। हाँ जी हाँ, गीता बहन ने क्या बताया आपको? वो उनके मतलब उनके बारे में इंट्रोडक्शन दे रही थी, वो कैसे थे सूरत स्टेशन पे बैठ के उनको पूरा ब्रह्मांड का दर्शन हुआ, वो सब वो उनकी जर्नी मुझे बता रही थी अभी। अच्छा, उनकी जर्नी बता रहे थे आपको? हाँ जी, दर्शन हुआ था सूरत स्टेशन पर। हाँ जी, तो उन्होंने जो दादा भगवान के बात बताई उसके ऊपर आपको क्या समझ में आया? नहीं, वो समझ तो ये आया कि वो एक मतलब उनको सिद्धि, जैसे उन्हें आत्मज्ञान हो गया था और वो अब लोगों के लिए लोगों का कुछ भला करना चाह रहे थे कि अब जैसे मुझे ज्ञान हो गया वैसे मैं लोगों को भी कुछ ज्ञान दूं। पल्लवी जी, एक बेसिक होता है कि सबको भगवान की डेफिनेशन है, सबके दिमाग में अलग अलग होती है। हाँ जी, बराबर है। तो आप, हाँ जी, आप भगवान किसको समझते हो? हमारे लिए तो भगवान बस ऐसे ही है कि कोई शक्ति है जो हमें हर चीज से बचाती है, हर चीज में हमारी मदद करती है। ओके, जहाँ भी मुसीबत आती है हमारी रक्षा करती है। बराबर। तो पल्लवी जी, ऐसा है कि जो भगवान है ना, तो वो ऊपर रहते होंगे, कहाँ रहते होंगे? वो तो जैसे अभी हम तो बचपन से यही कि भगवान सब जगह हर सूक्ष्म चीज में भगवान है, यही कि हर जगह भगवान है। हाँ, तो क्या दादा भगवान ने बताया कि भगवान कहाँ पे है? तो के जो भगवान जीव हमारी है, हाँ जी, तो के उसके अंदर जो है उसे आत्मा तत्व रूप में जो है उसी को भगवान बताया गया। हाँ जी, और भगवान में और हमारे में क्या फर्क होगा? ये तो क्या, भगवान तो शक्ति है। तो क्या दादा भगवान ने बहुत बहुत पल्लवी बहन बहुत सिंपल बना बात बताई दादा भगवान ने कि हमको कुछ भी शास्त्र पढ़ने की जरूरत ना पड़े और हमें तुरंत समझ में आ जाए। तो दादा भगवान ने बताया कि भगवान में और हमारे में क्या फर्क है। तो भगवान जो होते हैं उसके अंदर, उसके ऊपर भूलो, जो हम गलतियां करते हैं ना, वो गलतियां सारी निकल गई होती है, तो उसके उस देह के अंदर भगवान खुले हो जाते हैं। अच्छा, और हमारे अंदर गलतियां हैं इसलिए हमें हमारे अंदर रहले भगवान का पहचान नहीं हो पाता। और जो गीता बहन ने बताया ना सूरत स्टेशन पर शाम के टाइम में जो उनको विज्ञान खुला हो गया, पूरे वो जितनी भी गलतियां की थी वो सभी गलतियों से वो मुक्त हो गए, तब जाके उनको वहां पे ये पूरा आत्मज्ञान खुला हो गया। अच्छा अच्छा, ऐसा है। क्योंकि हमारे हमारे अंदर और भगवान के अंदर उतना ही फर्क है, हम गलती वाले और वो बिना गलती के, उनके अंदर कोई गलती बाकी रही नहीं। ऐसे, और दूसरा क्या बताया? तो के सभी जीव के अंदर जो कुदरती है उसके, वो सभी जीव के अंदर भगवान तत्व स्वरूप में रहे हुए। इसलिए दादा भगवान, God is in every creature, not in every creature. जो क्रिएचर है उसके अंदर भगवान है और क्रिएट किया हुआ है, यानी मनुष्य ने जो चीज बनाया उसके अंदर कहीं पर भगवान नहीं। क्रिएचर के अंदर है पर। हाँ, क्रिएचर के अंदर,
यानी आपने जो बताया ना सूक्ष्म से छोटे से छोटे से जीव के अंदर सभी जगह, तो के सभी जो क्रिएचर है उसके अंदर भगवान है, क्रिएटर में नहीं, यानी जो चीज मनुष्य मैन मेड है उसके अंदर भगवान नहीं है। समझ में आया? या मोबाइल है तो मोबाइल किसने बनाया मोबाइल? मैन मेड है वो। हाँ जी, मैन मेड है वो, मैन मेड है। फिर जो कपड़े है वो कैसे है? मैन मेड। फर्नीचर है वो? ऑल थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स जो भी है सब मैन मेड है। नॉन लिविंग थिंग जो है सब वो मैन मेड है। और जो बाहर जाते हैं तो कुत्ता मिलता है तो उसके अंदर है भगवान? हाँ वो क्रिएचर है। बिल्ली है तो? फिर दीज आर लिविंग थिंग्स ना। फिर हाँ जी वो तो हाँ जी बिल्कुल। सासू जी के अंदर यही भगवान है हमारे लिए तो अभी। तो के कहने का मतलब जो लिविंग है जो आपने बताया उसी सा वो सही है। लिविंग जितना लिविंग जो है उसके अंदर भगवान है। तो अभी सासू से कभी झगड़ा नहीं होगा ना? नहीं होता ही नहीं है, कभी नहीं होता। हस्बैंड से? बिल्कुल नहीं, उनसे थोड़ा थोड़ा हो जाता है। पूरा नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा होता है। थोड़ा थोड़ा होता है। तो क्या, तो ये जो दृष्टि है ना तो वो दादा भगवान की दृष्टि, दादा भगवान ने हमें भी दी यही दृष्टि कि ये जीव मात्र के अंदर भगवान है। तो कभी उनके साथ कभी क्लेश नहीं होता है। और क्लेश जैसे होता है ना तुरंत समझ में आ जाता है कि अंदर तो भगवान है और भगवान उसके अंदर भगवान हाजिर और हमने क्लेश कर दिया, तुरंत माफी मांग लेते हैं। अच्छा ठीक है। तो क्या तुरंत ये जो दृष्टि है तो उसके अंदर हमें हमारी गलती दिखाई देती है। इसलिए दादा भगवान ने एक बात बताई कि जब तक जीव मात्र के अंदर भगवान है और मैं खुद हूं उसका जो समझ नहीं प्राप्त होती है तब तक हमारी दृष्टि बहिर्मुखी होती है, यहाँ के दूसरे के ही गलतियां ढूंढते रहते हैं। बाहर दृष्टि है, अभी हम खाना खाने बनाने बैठते हैं हाँ जी, तो कभी नमक कम ज्यादा हो जाता है? हाँ जी बिल्कुल बराबर है। वहां पे हाँ किसकी गलती दिखाई देती है? हमने बनाया तो अपनी। नहीं आप नमक ऐसा लाए थे, मैं तो रेगुलर वो टाटा सॉल्ट डालती हूँ ना तो वो चपटी में लेती हूँ तो बराबर पड़ता है, लेकिन इस बार आप ये नमक लेके आए ना इसलिए पता नहीं चला। इसलिए नमक खराब है। संतोष आनंद जी वो टाइम तो नमक सासू जी लाए थे। हाँ नहीं मैं तो अगर मैं बनाती हूँ तो मेरी गलती होती है फिर। तो अगर अपने को खुद की गलती दिखाई देती है तो बहुत बड़ी, दादा भगवान ने बताया कि आध्यात्म डेवलपमेंट बोला जाता है उसको। जिस जिनको खुद की गलती अगर दिखाई देती है उसको समझ में आती है मेरी गलती है तो वो बहुत बड़ा उनका डेवलपमेंट, आध्यात्मिक डेवलपमेंट बोला जाता है उसको। बट समटाइम्स ऐसे होता है कि जैसे गलती हो जाती है उसके बाद रियलाइजेशन होता है तो बाद में फील होता है कि बाद में रियलाइज होके क्या किया, गलती तो हो गई। हाँ तो ये पंचम आ रहा है ना, ये कलयुग है ना तो कलयुग में ऐसा ही होता है, गलती होने के बाद ही पता चलता है। मतलब बाद में तो इतना रियलाइज होता है, बड़ा दुख होता है कि नहीं करना चाहिए था ऐसा, गलती हो गई बस तो उस टाइम की। अब तो वो रियलाइज हुआ ना वो बहुत बड़ी बात है। पल्लवी बहन जी, इस काल में गलती होने के बाद गलती दिखाई भी नहीं देती और उसका रियलाइज भी नहीं होता है। इसलिए दादा भगवान ने बताया कि इस काल के अंदर आध्यात्मिक डेवलपमेंट किसी का है तो किसको बोला जाए, तो कि जिसको खुद की गलती दिखाई दे, समझ में आए और उसकी माफी मांग ले, वो डेवलपमेंट बोला गया।
ओके ओके इतना भी हो जाएगा ना तो भी आगे ज्ञानी पुरुष हमें इकट्ठा हो जाएगा और आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि अगर हम हमारा जीवन देखे ना पल्लवी बहन जी, तो सुबह से रात को सोते सो जाते ना तब तक दूसरों की गलतियों पर ही हमारी नजर होती। अगर अगर हस्बैंड ने स्नान करके उनका जो टूवाल है वो गद्दे पर रख दिया तो होता है ना। हाँ जी नहीं हमारे यहाँ नहीं होता। हस्बैंड मेरे से ज्यादा समझदार है मेरे। तो बहुत अच्छा है, आप भाग्यशाली हो कि वो भाग्यशाली है। हाँ जी बिल्कुल। नहीं नहीं मैं भी बहुत ज्यादा हूँ। क्योंकि पूरे दिन में देखे ना तो सुबह से लेकर रात तक ऐसे छोटी छोटी बातें होती है, उसके अंदर हम एक दूसरे की गलतियां निकालते रहते हैं और पूरा जीवन दूसरों की गलतियां देखने में ही निकल जाता है, कभी खुद की गलतियां देखने का टाइम ही नहीं मिलता है। इसलिए दादा भगवान ने बताया खुद की गलती दिखाई दी, समझ में आया और उसका प्रतिक्रमण हो गया, माफी मांग ली तो काम बन गया। क्योंकि ये मनुष्य जीवन मिला क्यों है हमें, तो कि ये जो गलतियां करके आए हैं पिछले अवतारों में उसके फल स्वरूप ये मनुष्य जीवन मिला है। तो अभी सुधारने के लिए, हाँ वो सब सुधारने के लिए मिला है, वो सुधर जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा, फिर मनुष्य जीवन वापस मिलेगा नहीं। संतोष आनंद जी ये भगवान बनने का यही रास्ता है क्या? हाँ ये भगवान बनने का रास्ता दादा भगवान ने हमें बता दिया। तो ये गलतियां करना कैसे बंद करें सर? गलतियां करना कैसे बंद करें? हाँ जी तो दादा भगवान बताते थे अगर हम रास्ते पर जाते हैं, चलते चलते जाते फुटपाथ पर और सामने से बैल आएगा तो क्या करेंगे? गलती करेंगे कि गलती नहीं करेंगे? हाँ नहीं गलती नहीं करेंगे, साइड हो जाएंगे। क्यों गलती नहीं करेंगे? वो गलती तो वो कर रहा है, हम कहाँ कर रहे हैं गलती? फुटपाथ तो अब मनुष्य के चलने के लिए ही है ना, बैल के चलने के लिए थोड़ी है। तो गलती हम कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं? नहीं अब वो गलती कर रहे हैं पर हमें तो बचना है तो साइड होना ही पड़ेगा। तो क्यों साइड होना पड़ेगा बचने के लिए? क्योंकि हमें बुद्धि है, उसमें बुद्धि नहीं है। अच्छा लेकिन हम तो उससे ताकतवर नहीं है, मनुष्य है तो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो क्या देखो वहां पे हमें कितनी समझ खड़ी हो जाती है उस जगह पे कि अगर हम उसके साथ भिड़ेंगे तो नुकसान किसको होगा? हमें ही होगा। ये समझ में आ जाएगा इतनी बात कि गलती करेंगे तो नुकसान हमें होगा, सामने वाले को नुकसान होने वाला नहीं है, इतनी बात पक्की हो जाएगी ना तो भी गलतियों से मुक्त होते जाएंगे। राइट। और दूसरा दादा भगवान ने बताया कि गलती हम कब तक करते हैं कि जब तक उसका परिणाम समझ में नहीं आता है तब तक हम गलती करते रहेंगे। और जब उसका परिणाम समझ में आएगा तो गलती अपने आप बंद हो जाएगी। अगर आज कोई हमारा अपमान करे तो हमें पसंद है? आज कोई हमारा अपमान करे तो वो हमें पसंद आता है? नहीं बिल्कुल नहीं। कोई हमारे से कोई चीज छीन ले तो हमें पसंद आता है? नहीं। कोई हमें किसी भी प्रकार से दुख दे तो हमें पसंद आता है? नहीं। तो बस ये सब ये इतना समझ में आ जाएगा कि हम जो किसी को देंगे तो उसको दुख पहुंचेगा तो वो हमें नहीं देना चाहिए, इतनी समझ में आ जाएगा तो भी गलतियां बंद हो जाएगी।
और सही बात है, और गलतियां बंद होनी शुरू हो गई तो भगवान भगवान बनना शुरू हो जाएंगे, हम ही भगवान हो जाएंगे। सब प्रकार की गलतियां बंद हो गई, निकल गई, तो हम ही भगवान हो जाएंगे। ये दादा भगवान ने रास्ता बताया, इसलिए दादा भगवान ने सत साधन दिया, पांच साधन दिया है। वो साधन सत, साधन सत यानी अविनाशी, और साधन यानी अविनाशी वस्तु प्राप्त करने का साधन। जैसे घर से आप रिक्शा ऑटो में आए या कुछ भी लेके यहाँ तक आए ना आप, तो उसी तरह अविनाशी यानी सत प्राप्त करने के लिए जो साधन है वो गीता बहन के पास बुक होगी, तो वो मैं सिर्फ बता देता हूँ। पांच चीज है, पहला त्रिमंत्र है, दूसरा नमस्कार विधि है, तीसरा नवकल्म है, चौथा शुद्धात्मा प्रति प्रार्थना है, और पांचवा है दादा भगवान का असीम जीजीकार। तो कि ये पांच सत साधन दादा भगवान ने बताए, तो कि ये काल के अंदर ये सत साधन ऐसा दिया है दादा भगवान ने, तो कि ये सत साधन के माध्यम से आपको ज्ञानी पुरुष, आत्मज्ञानी पुरुष इकट्ठा हो जाएंगे, खुद की पहचान हो जाएगी और अपना काम बन जाएगा। और ये जो साधन फाइव चीजें क्या हैं? पहला तो त्रिमंत्र है, वो अच्छा मैं शॉर्ट में ही मैं बता देता हूँ। वो त्रिमंत्र है, जरा जल्दी बताना, अपने पास टाइम बहुत कम। वो त्रिमंत्र है, उसके अंदर ब्रह्मांड के श्रेष्ठ पुरुषों को हम नमस्कार करते हैं। अच्छा, हाँ, ब्रह्मांड के श्रेष्ठ पुरुषों को हम नमस्कार करते हैं कि जिसके अंदर ये लायकात खड़ी हो गई है कि वो हमें कुछ प्रदान कर सके, उनके पास से हमें कुछ प्राप्त हो सके, ऐसे पुरुषों को हम नमस्कार करते हैं। फिर दूसरा है नमस्कार विधि, उसके अंदर ब्रह्मा के तेज पुरुषों को नमस्कार करते हैं और जीव मात्र को नमस्कार करते हैं। जीव मात्र के अंदर जो भगवान है उसको भी हम नमस्कार करते हैं। तो वो क्यों करने का दादा भगवान ने बताया कि सिद्ध गति में जाना है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो ये नमस्कार करने से सभी धर्मों के रक्षक देवी देवता है उसका हमें उसका आशीर्वाद मिलेगा, सभी जीवों का हमें आशीर्वाद मिलेगा और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तीसरा है नौ कलम, और नौ कलम दादा भगवान ने ऐसा बताया कि सभी शास्त्रों का सार उसके अंदर रख दिया है, और वो जो आप एक बार पढ़ोगे ना नौ कलम, तो आपको समझ में आएगा कि दादा भगवान बताते थे कि पूरे जीवन में हम इसके अंदर जो जो बताए ना उसके बाहर कोई गलती करते नहीं, और जो या जो हमें गलती समझ में नहीं आती है लेकिन नौ कलम बोलते हैं तो वो गलती हमें समझ में आएगी और ऐसी शक्ति मिलेगी कि फिर से वो गलतियां ना हो। और चौथा है शुद्धात्मा प्रति प्रार्थना, यानी जीव मात्र के अंदर शुद्धात्मा भगवान विराजमान है और हमसे किसी भी जीव मात्र के अंदर विराजमान भगवान के प्रति कोई गलती हो गई हो तो उसकी माफी मांगते। और पांचवा है दादा भगवान का असीम जय जयकारो, तो कि अनंत अवतार से हमने नामधारी की वजना की है, उसकी जय जयकारी है कि किसी भी जन्म में हमारे अंदर रहे हुए भगवान की वजना नहीं की है। ये प्रत्यक्ष वजना दादा भगवान ने दी कि हमारे अंदर रहे हुए भगवान की आप वजना करो, खुद के अंदर रहे हुए भगवान की वजना करो तो गलतियों का आवरण टूटता जाएगा और भगवान खुले होते जाएंगे। तो ये सत साधन है, ये सत साधन आप समझ लेना गीता बेन से, नहीं तो कभी भी कोई भी आपका पुत्र से बात करके आप समझ सकते हो, तो वो पूरा समझ लेना डिटेल में, और वो आप वो भावना करोगे आपका काम हो जाएगा, भगवान आपको मिल जाएंगे। जी सच्चिदानंद, बहुत पल्लवी जी, गीता बेन और जो लोग आए हैं अभी, संतोष आनंद जी त्रिमंत्र बुलाएंगे, आप पीछे पीछे बोलिएगा, उसमें से पांच में से एक सत साधन वो एक बार बुलाएंगे, आप बोलिएगा पीछे पीछे। नमो वित्रागाय, ठीक है स्वामी जी, नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो हरिहर,
नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सव्व साहुणम नमो लोए सव्व साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सव्व पावकपणासनो सव्व पावकपणासनो मंगलाणम च संवेसिम मंगलाणम च संवेसिम पद्मम हवै मंगलम पद्मम हवै मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद।